हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्सेस मैथ। आज हम क्लास इलेवेनर अंतर्कलन व अवकलन प्रश्नमाला थ्री ए चैप्टर परवर्ती नतून किस अंक नहीं कथा बोलबो। जदि तुम्हारा भिडियो भलो लागे तब तुम भिडियो के लाइक करते पारो, जारा आमार ई चैनले नतून आछो तारा ई चैनलटिके सबसक्राइब कर दिए परवर्ती भिडियो नोटिफिकेशन पावार जन्य बेल आइकनटिके प्रेस कर रखते पारो। ताछाड़ा तुम्हारा जदि क्लास इलेवेनर गुणोत्तर प्रगति ई चैप्टर अंकगुलो देखते चाओ तो हमारे आकटा चैनल आए मैथ वर्सेस मैथ टू, से देखते पो तर लिंक तुम डेस्क्रिप्शन पे जा। तो चलो आज नतून किस शेखा जाक। ये चैप्टर 20 नम्बर पार्ट, एर आगे हमें 19 पार्ट आपलोड करी। 19 पार्ट जो तुम्हारा परपर देखते चाओ चैप्टर जो प्ले लिस्ट आए से प्ले लिस्टर लिंक हमें डेस्क्रिप्शने दिए देव, से गए परपर देखते पो। तो आज हमें 18 दिन अंक शुरू कर एफ अफ एक्स इजुअल टू वन प्लस एक्स जख एक्स लेस दैन जिरो, वन जो ए रेंजर मध्य थक टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव जो एक्स ग्रेटर दैन वन। तो हमें बोलते यहाँ हमें एक्सर सब मान एफ डैश एक्स निर्णय करो, ये फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन हलो लिमिट एक्स चेंज टू जिरो एफ डैश एक्सर अस्तित्व आए कि, यार सेकेंड क्वेश्चन। आगे हमें एफ डैश एक्स बार करते हैं, तपर तो हमें तर लिमिटर भैल्यू अस्तित्व करना जिरो बिंदुते से देखो, ठीक है। तो फर्स्ट अफ अल हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन के अन्सार देव। तो एफ एक्स हिसाब से दिए कि लिखे नहीं नम्बर इक्वेशन दिए। तो हमें फर्स्ट अफ अल की बार करते हैं एक्सर सब मान एफ डैश एक्स, तेल एक नम्बर के कार सपेक्षे अवकलन करब एक्सर सपेक्षे, तई लिखी नाओ एक उभयपक्षे एक्सर सपेक्षे अवकलन कर पाई। तो लिखे निल नाओ एक उभयपक्षे एक्सर सपेक्षे अवकलन कर पाई, तो करो डि बाय डि एक्स अफ एफ एक्स इज इक्वल टू डि बाय डि एक्स, এবার প্রত্যেকটা ফাংশনের x এর সাপেক্ষে অবকলন করে দেব t / dx অফ 1 + x। এবারে x এর ভ্যালু যে এবার কখন হবে বা লিমিট কি হবে x এর ভ্যালুর বা x এর ভ্যালু কার মধ্যে এক্সিস্ট করবে সেটা এবার আলোচনার বিষয় আছে। তা আগে এটা করে নিই, তারপর আমি বলছি। এবার দেখো नेक्स्ट हमें करार आगे हमें देखो जो एक्सर भैलुर कौन भैलुर जो एफ डैश एक्स एफ एक्सर अंतर्कलज हमें बेर करते एफ डैश एक्स बार करते एफ एक्सर अंतर्कलज हमें बार करते। तो देखते हैं जो ब्रेक पॉइंट की क्या आछे, ब्रेक पॉइंट देखो एखे जिरो आगे दिए एखे जिरो पर दिए एखे आर एक आगे दिए एखे आर एक दिए। तो एखान बुझते परलम ये फांगशनटार ब्रेक पॉइंट दुटो दिए एक जिरो और एक वन, ठीक है। तेल एखन हाँ चेक करते हैं एक्स इक्वल टू जिरो और एक्स इक्वल टू वन बिंदुते एफ एक्सर अंतर्कलज आना एफ डैश एक्स अस्तित्व आना। सब समय मन रखे जो एरक अंक दिले जो ब्रेक पॉइंटगुलो आई ब्रेक पॉइंट एक बार चेक कर फांगशन दिखे तर अंतर्कलज आना। तक हमें कि करब एक्स इक्वल टू जिरो और एक्स इक्वल टू वन बिंदुते हमें एफ एक्सर अंतर्कलज आना से चेक करब। तो चलो तेल चेक कर लेजायी एखे लिमिट सेट करब जो एक्सर भैल्यू कार मध्य थक अंतर्कलज बार कर समय, ठीक है। जो एक्स इक्वल टू जिरो और एक्स इक्वल टू वन बिंदुते जो अंतर्कलज ना थे तेल लिमिटर मध्य एक्सर जो लिमिट है एक्सर जो भैल्यू जो रेंज है से रेंजर मध्य तेल जिरो और वन के इनक्लूड करा जाए, से आगे चेक कर जिरो और वन बिंदुते एफ एक्सर अंतर्कलज आना। तो चलो से चेक करी। तो चेक करार आगे आगे एक बेसिक कन्सेप्ट तुम्हारा नहीं नाओ, हमें कि जी वाई इक्वल टू एफ एक्स अपेक्षक एक्स इक्वल टू ए बिंदुते अंतर्कलज थे जदि एक्स इक्वल टू ए बिंदुते एफ एक्सर डान पक्षर अंतर्कलज दैट इज आर एफ डैश एंड एक्स इक्वल टू ए बिंदुते एफ एक्सर बाम पक्षर अंतर्कलज दैट इज एल एफ डैश एर अस्तित्व थे एर समान है, तब कि बोलते पर वाई इक्वल टू एफ एक्स अपेक्षक एक्स इक्वल टू ए बिंदुते अंतर्कलज थे। तेल ये जो अंकर भाषा प्रकाश करी तेल क्यों बोलते आर एफ डैश इक्वल टू एल एफ डैश होते हैं और आर एफ डैश मान कि लिमिट एस टेंस टू जिरो प्लस एफ अफ ए प्लस एच माइनस एफ अफ ए बच इजिकल टू और एल एफ डैश मान कि लिमिट एस टेंस टू जिरो माइनस एफ अफ ए प्लस एच माइनस एफ अफ ए बच। एबार कन्सेप्ट बेस कर फांगशन दिए फांगशन फांगशनटार एक्स इक्वल टू जिरो और एक्स इक्वल टू वन बिंदुते अंतर्कलज आना चेक कर, ठीक है। तो फर्स्ट अफ अल हमें एक्स इक्वल टू जिरो बिंदुते चेक कर अंतर्कलज आना। तेल एक्स इक्वल टू जिरो बिंदुते अंतर्कलन योग्यता जाचाई, तेल प्रथम क्यों करब एक्स इक्वल टू जिरो बिंदुते एफ एक्सर डान पक्षर अंतर्कलज बार करब, ये तो संज्ञा
x = a বিন্দুতে প্রথমে fx এর ডান পক্ষের অন্তঃকলন আমাকে বার করতে হবে তাহলে এখানে x এর জায়গায় a এর জায়গায় কত আছে 0 বিন্দু তাহলে x = 0 বিন্দুতে fx এর ডান পক্ষের অন্তঃকলন তাহলে সেটা কিভাবে ডিনোট করে r f ড্যাশ 0 ইকুয়াল টু কি লিখব লিমিট s টেন্ডস টু 0 প্লাস f অফ ওখানে ছিল a প্লাস h তাহলে এখানে a এর জায়গায় বিন্দুটা কত আছে 0 তাহলে 0 প্লাস h মাইনাস f অফ a তাহলে এখানে f অফ 0 বাই h তাহলে সমান সমান কি লিখতে পারি লিমিট एस टेंस टू जीरो प्लस एफ अफ जीरो प्लस एच मैं कि शुद्ध एफ अफ एच लिखते पड़ी माइनस एफ अफ जीरो बाय एच तो हमें एबार एफ अफ एचर भैल्यू बार करते हैं जेखने एस टेंस टू जीरो प्लस तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखते हैं जो एफ एक्स फंक्शनटार भैल्यू जीरो थे बड़ हम कि है से एफ अफ एचर भैल्यू पा कारण हमें तो आलोचना करी एक्स इक्वल टू जीरो बिंदुते से आगे हमें देखते हैं एक्स एर भैल्यू जीरो थे बड़ हम एफ एक्सर भैल्यू कत है ये देखो जीरो थे बड़ बा जीरो समान हम एफ एक्सर भैल्यू कत है वन तरह कि हमें एफ अफ एचर भैल्यू एखान पा तो मैं कि एफ अफ एचर भैल्यू कत दे वन देवे कारण एखे तो एक्स तलर को टर्म नहीं जो एक्स तलर टर्म थकत से एक जगह एच लिखत एखे जेहतु संख्या आज से संख्याटाई लिखब तेल क्यों लिखते परि समान समान लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ अफ एच तेल कत दे वन माइनस एफ अफ जीरो कत दिखे देखो जिरोर थे बड़ो जिरो समान हम कत दे वन एफ अफ जीरो कत दे मैं वन वन बाई तर मैंने कि ओपरे जिरो हो जाए कि लिमिटार भैल्यू कत हो ओवरऑल जिरो तेल एक्स इक्वल टू जिरो बिंदुते एफ एक्स एर डान पक्षर अंतकलज कत हे जिरो एबार बाम पक्षर अंतकलजा बार करब नाउ एक्स इक्वल टू जिरो बिंदुते एफ एक्सर बाम पक्षर अंतकलज बार करब दैट इज एल एफ डैश जिरो एच इक्वल टू कत लिखब लिमिट एच टेंस टू जिरो माइनस एफ अफ जिरो प्लस एच माइनस एफ अफ जिरो बाय एच तो समान समान कि लिखते लिमिट एच टेंस टू जिरो माइनस एफ अफ एच माइनस एफ अफ जिरो बाय एच ओके तो फर्स्ट अफ अल एच टेंस टू जिरो माइनसर जो एफ अफ एचर भैल्यू हमें बार करते फर्स्ट अफ अल हमें कि लक्ष्य करते हैं आसल बिंदुटा कत एक्स इक्वल टू जिरो तेल आगे हमें देखते हैं एक्सर भैल्यू जिरो थे छोटर जो एफ एक्सर भैल्यू कत से एफ अफ एचर भैल्यू पा ठीक है तेल एक्सर भैल्यू जिरो थे छोटर जो एफ एक्सर भैल्यू कत एजे वन प्लस एक्स दैट इज हमें एफ अफ एचर भैल्यू हमें एखान पा ठीक है जेहतु एक्सर भैल्यू जिरो थे छोटर जो एफ एक्सर भैल्यू कत वन प्लस एक्स तेल एफ अफ एचर भैल्यू एखान पा ठीक है जस्ट एक्स जगह कत लिखब एच ठीक है जस्ट एक्स जगह एच लिखले एफ अफ एचर भैल्यू कत पाँच समान समान लिमिट एच टेंस टू जिरो माइनस एफ अफ एच मैं कत पा जस्ट एक्स जगह एच लिखब तेल कत पा वन प्लस एच माइनस एफ अफ जिरो कत एजे जिरो बड़ो हक जिरो समान हक एफ अफ जिरो कत दे अलवेज वन देते लिखते एफ अफ जिरो मैं वन बाईच माइनस वन प्लस वन काटे कत पा लिमिट एच टेंस टू जिरो माइनस एच बच रट देखो जेहतु एच टेंस टू जिरो माइनस जेहतु एच टेंस टू जिरो माइनस तम कि अतए एच नट इक्वल टू जिरो एखान तो बोलते परिच एच खेटे गले कत पड़े थको वन दैट इज लिमिटर भैल्यू तरह कत वन बाम पक्षर अंतर्कलज कत पाची वन और डान पक्षर अंतर्कलज कत पाची जिरो तेल बाम पक्षर अंतर्कलज और डान पक्षर अंतर्कलज की सेम हे एक्स इक्वल टू जिरो बिंदुते हा अतए आप बलब ये एफ एक्स अपेक्षक दिए अपेक्षक एक्स इक्वल टू जिरो बिंदुते हमार अंतर्कलज नहीं जो एखे जो हमें अंतर्कलजा बार करब तेल एखे चाहिए एक्सर जो लिमिट बार करब रेंज बार करब से जिरो नीचे इक्वल टू सैन दीते कारण जिरो बिंदुते नहीं जिरो बिंदुते इक्वल टू सैन दीते ओके से यगल को देखा जो जिरो बिंदुते नहीं अंतर्कलज तुम्हार ठीक है तेल एबारे लिखे दी तेल क्य लिखब जेहेतु आर एफ डैश जिरो एंड एल एफ डैश जिरो उभय ही अस्तित्व आभयर ही अस्तित्व पासी किंतु नट इक्वल टू उभय ही अस्तित्व आभयर ही अस्तित्व किंतु आर एफ डैश जिरो नट इक्वल टू एल एफ डैश जिरो अतए एक्स इक्वल टू जिरो बिंदुते एफ एक्सर अंतर्कलज नहीं ठीक है अंतर्कलज नहीं एक्स इक्वल टू जिरो बिंदुते चेक कर नहीं इक्वल टू वन बिंदुते चेक करब जो एफ एक्सर ओ बिंदुते अंतर्कलज आना एबार्स इक्वल टू वन बिंदुते अंतर्कलन योग्यता जाचाई कर তাহলে নাও এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বিন্দুতে এফ এক্স এর ডান পক্ষের অন্তকলজ বার করব দ্যাট ইজ আর এফ ড্যাশ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু কি লিখব লিমিট
एस टेंस टू जीरो प्लस जो हमें फर्मुला लिखे फर्मुल कत लिखे ए लिखे जस्ट एर जगह एखे कत आज वन वन प्लस लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ अफ वन प्लस एच सरि लिमिट एस टेंस टू जीरो प्लस एफ अफ वन प्लस एच माइनस एफ अफ वन बाय एच हमें एफ अफ वन प्लस एचर भैल्यू बार करते हैं जो एस टेंस टू जीरो प्लस तो फर्स्ट अफ अल हमें देखते हैं कि ये कौन बिंदुते हमें अंतकलज बार कर एक्स इक्वल टू वन बिंदुते तेल आगे हमें चेक करते हैं एक्सर भैल्यू वन के बड़ोर जो एफ एक्सर भैल्यू कत से एफ अफ वन प्लस एच भैल्यू पा ठीक है तेल एक्सर भैल्यू वन के बड़ोर जो एफ एक्सर भैल्यू कत देखो ये एक्सर भैल्यू वन के बड़ो हम एफ एक्सर भैल्यू तुम्हारा ये तेल एफ अफ वन प्लस एचर भैल्यू तेल एखान पा जस्ट एक्सर भैल्यू एक्सर जगह वन प्लस एच लिखे देव ठीक है समान समान लिमिट एस टेंस टू जीरो प्लस एफ अफ वन प्लस एचर भैल्यू एखान पे जा जगह वन प्लस एच लिखब टू इंटू वन प्लस एचर होल स्क्वायर प्लस फोर इंटू वन प्लस एच प्लस फाइव ओके जस्ट एक्सर जगह वन प्लस एच लिखल एबार एफ अफ वन भैल्यू कत ये एक्सर भैल्यू तुम्हार जो वन होक वन छोटो होक एफ अफ वन भैल्यू कत दे वन दे कारण वन नीचे तो इक्वल टू दाग आ तो मैं कि एफ अफ वन कत दिखे वन दे क्लिक कर माइनस वन बाय कत एच और एक सिम्प्लीफाई कर लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस टू इंटू वन एट ए प्लस बी होल स्कोर भांगो ए स्कोर मैं वन प्लस टू ए वि मैं टू एच प्लस बी स्कोर मैं एच स्कोर प्लस फोर इंटू वन प्लस एच और प्लस फाइव माइनस वन मैं कि प्लस फोर बाय एच ओके और एक सिम्प्लीफाई करो समान समान लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस तेल एब टू गुण कर दाओ तेल दुई चार एच प्लस टू एच एस स्कोर एब फोर गुण कर दाओ फोर के फोर प्लस फोर एच प्लस फोर बच ए सिम्प्लीफाई करो ठीक है समान समान लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस तेल प्रथम टू एच स्कोर लेखो टू एच स्कोर प्लस फोर एच और ये फोर एच कत है एट एच प्लस चार चार आठ आठ दुई दस ओके एबार देखो कोनो कारणे आमी एच नीचे एच टार साथे ऊपर एच काटते पाच्छी ना कोनो किछु करे जे आमी एकटा एच कमन नेब ऊपर थेके निये नीचे एचटाके केटे देब एरकम कोनो उपाय आछे कोनो रकम भावे एटा करा जाबे कि करा जाच्छे ना दैट इज एबार आमाके एच जगह जिरो बसिए दिते हबे ताछाड़ा उपाय नेई तबेई एर भ्यालुटा आमरा पाबो ताहले एच जगह जखन तुमि जिरो बसाओ ताहले कत पाबे टू इंटू जिरो प्लस एट इंटू जिरो प्लस टेन बाय नीचे तो जिरो चले आसे नीचे जे जिरो चले आसें तर मैं कि इनफिनिटी दैट इज असंगत दैट इज इनफिनिटी तर मैं किन क्यों पाची आर एफ डैश वन भैल्यू असंगत आर एफ डैश वन अस्तित्व नहीं बुझते इनफिनिटी आसा मैं कि भैल्यू बार करते तर मैं कि अस्तित्व नहीं जो हमें संज्ञा लिखे संज्ञा कि लिखे ये लिखे एक्सिकल टू ए बिंदुते अंतर्कलज थको जदि ये एक्सिकल टू ए बिंदुते एफ एक्सर डान पक्षे अंतर्कलज दैट इज आर एफ डैशे और एक्सिकल टू ए बिंदुते एफ एक्सर बाम पक्षे अंतर्कलज दैट इज एल एफ डैशे ए दुटोर ही अस्तित्व थकते हैं अस्तित्व थकते हैं प्लस एबार एदेर दुटोर भैल्यू आबार सेम होते हैं किन्तु अस्तित्व जदि ना थाके ताले कि डायरेक्ट ओखान थेके आमरा बोले दिते पारबो कि ओर कि ओई बिंदुते कि अंतर्कलज नहीं तो एखाने सेम कन्सेप्ट यूज करब तो एखाने आमी पाच्छि कि ए एक्सिकल टू वन बिंदुते आर एफ डैश वन अस्तित्व नहीं बा डान पक्षेर अंतर्कलजेर अस्तित्व नहीं तार माने कि एखान थेके आमरा डायरेक्ट बोले देबो जे ए एक्सिकल टू वन बिंदुते एफ एक्सर अंतर्कलज नहीं एक्सिकल टू वन बिंदुते एफ एक्स हमें अंतर्कलन करते पर अवकलन करते पर तो लिखे देव जेहेतु लिखब कि जेहेतु आर एफ डैश वन एर अस्तित्व नहीं बलब अतएव एक्सिकल टू वन बिंदुते एफ एक्स अंतर्कलन योग्य नय ठीक है ये लिखब लिखल जेहेतु आर एफ डैश वन अस्तित्व नहीं अतएव एक्सिकल टू वन बिंदुते एफ एक्स अंतर्कलन योग्य नय तेल फांगशन जो दिए एफ एक्सर तेल बिंदुते अंतर्कलन योग्य नहीं एक्सिकल टू वन और एक्सिकल टू जीरो तेल सब समय ब्रेकिंग पॉइंट चेक कर देटो ही ब्रेकिंग पॉइंट छो एक्सिकल टू वन और एक्सिकल टू जीरो दोटो ब्रेक पॉइंट कि पाची अंतर्कलन करते पर दैट इज जो हमें अंतर्कलन करार पर अंतर्कलज पार पर जो हमें लिमिट सेट करब एक्सर भैल्यूर एक्सर रेंज सेट करब से वन जिरो नीचे इक्वल टू सैन देना जाए कारण कि वन और जिरोते तो अंतर्कलन अंतर्कलज नहीं तो मैं कि वो तो इक्वल टू सैन दीते पर चलो अंके जाए अंक एखे थेमे गए ठीक है तेल एरपर थे करी तेल जी बाई जी एक्स अफ वन प्लस एक्स तेल वन के जो अवकलन कर जिरो और एक्स के अवकलन कर ले कत पा वन तेल अच्छा यटार संशोधन कि लिखते परि बा एफ डैश एक्स इक्वल टू
হয় জি বাই জি এক্স অফ এফ এক্স ইকুয়াল টু লিখো বা এফ ড্যাশ এক্স ইকুয়াল টু একই ব্যাপার। তাহলে এফ ড্যাশ এক্স ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি, ওয়ান হবে। তাহলে এটা কখন হচ্ছিল, ওয়ান প্লাস এক্স এফ এক্স মানে ওয়ান প্লাস এক্স হবে যখন এক্স লেস দেন জিরো। এই ফাংশন এক্সের ভ্যালু এর জন্য, এটার জন্য তো আমরা এফ এক্সের অস্তিত্ব পাচ্ছিলাম, তাহলে এখানেও এফ ড্যাশ এক্সের অস্তিত্ব থাকবে এক্স লেস দেন জিরোর জন্য, যখন এক্স লেস দেন জিরো। ঠিক আছে, কারণ কি এখানে জিরো নিয়েছি ইকুয়াল টু সাইন নেই, তো তার মানে কি জিরো বাদে জিরো থেকে ছোটো সব বিন্দুর জন্য এফ ড্যাশ এক্স কত দেবে, ওয়ান। তাহলে এবার জি বাই জি এক্স অফ ওয়ান কত দিচ্ছে, জিরো। তাহলে অরিজিনাল ফাংশনে এই ওয়ান কখন দিচ্ছিল, যখন এক্সের লিমিট এইটার মধ্যে ছিল। তাহলে এর এফ ড্যাশ এক্স জিরো হবে যখন এই জিরো আর ওয়ান বিন্দুতে তোমার অন্তঃকলেশ নেই, তো জাস্ট ইকুয়াল টু বাদ দিয়ে দেবো। তাহলে যখন জিরো এক্স ওয়ান, কারণ আমি একটু আগে প্রমাণ করে দিলাম যে জিরো বিন্দুতে আর ওয়ান বিন্দুতে এফ এক্সের অন্তঃকলজ নেই, তাহলে কি সেজন্য এখানে আমি ইকুয়াল টু সাইনটা রাখতে পারবো না। তাহলে এটার ভ্যালু কত পাবো, টু এক্স স্কোয়ার এক্সের সবাইকে অবকলন করলে কত পাবে, ফোর এক্স প্লাস এখান থেকে পাবে ফোর, আর ফাইভ তো ধ্রুবক পদ জিরো হয়ে যাবে। তাহলে এখান থেকে কী লিখতে পারি, ফোর ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান। তাহলে এটা কখন অস্তিত্ব থাকবে, অরিজিনাল ফাংশনে কত ছিল এক্স গ্রেটার দেন ওয়ান, ইকুয়াল টু তো সাইন নেই, তাহলে এটাও তাহলে কত হবে, এক্স গ্রেটার দেন ওয়ানের জন্য অস্তিত্ব থাকবে এটার। দ্যাট ইজ এফ ড্যাশ এক্সের ভ্যালু পাবো এক্স গ্রেটার দেন ওয়ানের জন্য, এফ ড্যাশ এক্স ইকুয়াল টু জিরো হবে যখন এক্স ভ্যালু এই রেঞ্জের মধ্যে থাকবে, আর এফ ড্যাশ এক্সের ভ্যালু ওয়ান হবে যখন এক্স ভ্যালু এই রেঞ্জের মধ্যে থাকবে। জাস্ট এফ এক্সের ক্ষেত্রে যে এক্সের যে রেঞ্জগুলো থাকবে ছিল সেগুলোই থাকবে, জাস্ট জিরো আর ওয়ান বিন্দুতে তোমার অন্তর্কলন তো নেই বা অন্তর্কলন তো আমরা পাবো না, সেজন্য এক্ষেত্রে ইকুয়াল টু সাইনটা থাকবে না, আর সব একই থাকবে। তাহলে এটাই হবে এই অঙ্কের অ্যান্সার। আর জিরো আর ওয়ান বিন্দুতে কেন অন্তর্কলজ পাবো না সেগুলো আমি নিচে করে দিয়েছি, দেখলেই বুঝতে পারবে। তো চলো এবার এই যে নেক্সট পার্টটা আছে সেই নেক্সট পার্টে যাবো। তাহলে এখন আমরা এফ ড্যাশ এক্স তাহলে কী পেলাম, ওয়ান হবে যখন এক্সের ভ্যালু জিরোর থেকে ছোটো, জিরো হবে যখন এক্সের ভ্যালু এই রেঞ্জের মধ্যে থাকবে, আর ফোর ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান হবে যখন এক্সের ভ্যালু একের থেকে বড় হবে। এটা হয়ে গেলো আমার এফ ড্যাশ এক্সের ভ্যালু। এবার আমাকে নেক্সট কোয়েশ্চেন করেছে, লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো এফ ড্যাশ এক্স এই জিনিসটার অস্তিত্ব আছে কিনা, তার মানে কি এই লিমিটটার অস্তিত্ব আছে কিনা এক্স টেন্স টু জিরো ক্ষেত্রে। তো আমরা কী জানি, এটা লিমিটের কনসেপ্ট, তাই আমরা এখানে লিখে দিয়েছি লিমিট এক্স টেন্স টু এ এফ এক্সের অস্তিত্ব আছে বলা হবে যদি লিমিট এক্স টেন্স টু এ প্লাস এফ এক্স ও লিমিট এক্স টেন্স টু এ মাইনাস এফ এক্স উভয়েরই অস্তিত্ব থাকে এবং লিমিট এক্স টেন্স টু এ প্লাস এফ এক্স ইজগুয়াল টু লিমিট এক্স টেন্স টু এ মাইনাস এফ এক্স হয়। ঠিক আছে, তো এখানে এর জায়গায় আছে জিরো আর এফ এক্সের জায়গায় আছে এফ ড্যাশ এক্স, তাহলে এক্ষেত্রেও সেম এটার মতো করে লিখে নেবো। তাহলে কী লিখবো, নাও লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো এফ ড্যাশ এক্সের অস্তিত্ব আছে বলা হবে, এর অস্তিত্ব আছে বলা হবে যদি, এটা জাস্ট নীল কালিতে লিখলাম তোমাদের বোঝার জন্য, কিন্তু পরীক্ষালে কালো কালিতে যেটা লিখছি সেটা লিখবে, এটা কপি করো, যদি লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো প্লাস এফ ড্যাশ এক্স, এখানে ছিল এফ এক্স, আমরা তো আলোচনা করছি এফ ড্যাশ এক্সের জন্য, ও এটা একটা ফাংশন, তোমার যদি বুঝতে অসুবিধা হয় এফ ড্যাশ এক্স ইকুয়াল টু তুমি জি এক্সে ধরে নিতে পারো, ও লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো মাইনাস এফ এক্সের এক্স এফ এক্স উভয় এর অস্তিত্ব থাকে। ওকে, অ্যান্ড কী হবে, লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো প্লাস এফ ড্যাশ এক্স ইজিকাল টু লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো মাইনাস এফ ড্যাশ এক্স হয়। তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমরা বার করছি লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো প্লাস এফ ড্যাশ এক্স। ঠিক আছে, তাহলে নাও লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো প্লাস এফ ড্যাশ এক্স ইকুয়াল টু, তাহলে দেখো এক্সের ভ্যালু জিরোর থেকে বড়োর জন্য এফ ড্যাশ এক্সের ভ্যালু কত সেটা আগে আমরা দেখে নিই। দেখো এবার এই জায়গায় চেক করো, এখানে সব এফ ড্যাশ এক্সের ভ্যালুগুলো আছে, এক্সের ভ্যালু জিরোর থেকে বড় হলে এফ ড্যাশ এক্সের ভ্যালু কত, জিরো না, এই যে জিরোর থেকে বড়ো এক্সের ভ্যালু জিরোর থেকে বড়ো বা একের থেকে ছোটো হলে এফ ড্যাশ এক্সের ভ্যালু কত, জিরো। তাহলে এখানে আরও এখন কী লিখবো, তাহলে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো প্লাস, তার মানে কি এক্সের ভ্যালু জিরোর থেকে বড়োর জন্য এফ ড্যাশ এক্স কত দিচ্ছে, লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো প্লাস জিরো, দ্যাট ইজ এই লিমিটের ভ্যালু তার মানে কত, জিরো। তাহলে আমরা কত পাচ্ছি, লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো প্লাস এফ ড্যাশ এক্স মানে কত পাচ্ছি, জিরো, অ্যান্ড লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো মাইনাস এফ ড্যাশ এক্স। তাহলে কি এক্সের ভ্যালু জিরোর থেকে ছোটোর জন্য এফ ড্যাশ এক্সের ভ্যালু কত আছে সেটা একবার দেখে নিই। দেখো এক্সের ভ্যালু জিরোর থেকে ছোটো হলে এফ ড্যাশ এক্সের ভ্যালু কত, ওয়ান। তাহলে এখন ওই জায়গায় কত লিখবো, ওয়ান। তাহলে এই জায়গায় কত লিখবো, লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো মাইনাস এফ ড্যাশ এক্সের জায়গায় কত লিখবো, ওয়ান। তাহলে এই জিনিসটা লিমিটের ভ্যালু কত হবে, তার মানে ওয়ান। তাহলে দেখো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো প্লাস
एफ डैश एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू जिरो माइनस एफ डैश एक्स उभय ही अस्तित्व आज है तर मैं कि एक्जैक्ट भैल्यू पाँच क्यों एरा नट इक्ल टू कम शर्त छो शर्त क्यी समान होते क्यों एट समान हा लेकिन लिखे देव जेहेतु लिमिट एक्स टेंस टू जिरो प्लस एफ डैश एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू जिरो माइनस एफ डैश एक्स उभय ही अस्तित्व आ उभयेरই अस्तित्व आछे किन्तु एरा नॉट इक्वल टू किन्तु लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ डैश एक्स अतएव कि लिखब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ डैश एक्सर अस्तित्व नहीं ओके अस्तित्व नहीं ये तो क्वेश्चन कर अस्तित्व आज कि ना अस्तित्व नहीं ठीक है तो आशा करी पर्यंत तुम्हारा बुझते पे अंकटा खूब इम्पोर्टेंट छिल एक पार्टी दिलाम तो नेक्स्ट वीडियो आबार परवर्ती नतून किछु अंक निये कथा होबे थैंक्स फर वाचिंग।